अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, ओपन योर बुक्स द साइंस फैक्टर यूनिट नंबर वन द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट वी हैव रिवाइज इट्स फर्स्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज इट्स फर्स्ट टॉपिक इन आवर प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल रिवाइज इट्स सेकेंड टॉपिक दैट इज आइज। जी आंखें, हम सेंस ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट सेंस ऑर्गन वॉज स्किन, स्किन को हमने कल स्टडी कर लिया, आज हम आइज को देखेंगे। आइज इज़ द सेकेंड जो सेंस ऑर्गन इज़ द सेंस ऑर्गन। जी आँख का आपको पता है स्टूडेंट्स, आँख आप किस लिए यूज़ करते हैं, देखने के लिए। यानी आप किसकी मदद से देखते हैं, आँख की मदद से देखते हैं। सो आँख, अब ये देखने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किस तरीके से होता है, लाइट रेज जो हैं श्वाएँ, रोशनी जब आपके रेटिना कहते हैं आँख के पर्दे को, जब रोशनी की जो श्वाएँ हैं वो आँख के पर्दे पर पड़ेंगी तो क्या होगा, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज दिखाई देगा और उस वक्त ये इमेज आपको अपसाइड डाउन यानी उल्टा दिखाई देगा, लाइक दिस, ठीक है, उल्टा दिखाई देगा। और सीधा ये तब दिखाई देगा जब आपका ब्रेन आपको मैसेज भेजेगा, ठीक है। यानी बेसिकली देखने के, देख तो आप आँख से रहे हैं लेकिन जो इमेज आपको सीधा दिखाई देगा वो ब्रेन की हेल्प से दिखाई देगा। ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज को सीधा करके दिखाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आई की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये लेंस है, ठीक, रेटिना है, आंख का पर्दा इसे कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, नर्व्स, ठीक है, थ्रेड लाइक नर्व्स होती हैं ये जो आंख में मौजूद होती हैं रेड कलर की। सो अब हम यहाँ देखेंगे आंख की प्रोटेक्शन किस तरीके से होती है। आंख की जो प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, ये अल्लाह ताला ने आंख की हिफाजत के लिए भी जो चीज़ें बनाई वो कौन सी हैं, आई लैशेज और आई लिड्स, ठीक है। आई लैशेज कहते हैं आपकी पलकों को, आई लिड्स जो हैं वो कहते हैं आपके आंख के जो पपोटे हैं उसको कहते हैं, जिसमें आप जब आंख बंद करते हैं तो आंख आपकी कवर हो जाती हैं, जिससे वो कवर होगी वो आई लिड्स होंगे, आपके आंख के पपोटे होंगे, ठीक है। अब आई लिड्स और आई लैशेज का क्या काम होता है, आई लिड्स जो हैं जब कोई चीज़, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर कोई आपकी आंख के करीब कोई पेंसिल का सिक्का लेके आता है बिल्कुल करीब, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपकी आंख को नुकसान पहुँचाएंगे, तो आप सडनली क्या करेंगे, अपनी आंख को बंद कर लेंगे। तो ये किसने किया, आई लिड्स की हेल्प से आपने अपनी आंख को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब आई लैशेज जो हैं वो क्या करती हैं, पलकें आपकी क्या करती हैं, डस्ट वगैरह को रोक देती हैं और भी इसके अलावा जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक देती हैं और आपकी आंख को प्रोटेक्ट कर, ठीक है। ये काम है आपकी आई लैशेज और आई लिड्स का, ओके। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां पर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपकी जो आंख का साइज़ है वो आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो आपकी आंख का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ता, वो वैसे छोड़ जितनी जब आप पैदा होते हैं ना फर्स्ट डे जो साइज़ आपका तब होता है, डेथ तक आपका वही साइज़ रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, आंख आपकी ग्रो नहीं करती, ओके, इसका साइज़ सेम रहता है। हेयर आर थ्री क्वेश्चंस अबाउट आई। फर्स्ट क्वेश्चन कल हम रिवाइज कर चुके हैं, बेसिकली सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले इन हेल्पिंग यू सी, यानी ब्रेन का आपकी देखने का जो प्रोसेस है उसमें ब्रेन का क्या काम है। जी ब्रेन का हमने अभी पढ़ा कि ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन हम जो इमेज देखते हैं उसको सीधा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू द आईलिड्स एंड आईलैशेस डू। आईलिड्स और आईलैशेस का हमने फंक्शन देखना है, वो भी मैंने आपको बताया, आईलिड्स जो हैं वो क्या करते हैं और आईलैशेस जो हैं वो क्या करती हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू सी एन इमेज, आप जब कोई भी इमेज देखते हैं तो फर्स्ट आप उसको किस तरीके से वो आपको नज़र आता है, डेफिनेटली अपसाइड डाउन आपको वो उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। जी यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टू, What part does the brain play in helping you see? Here is its answer. Brain helps to turn the image the right way around. Brain helps to turn the image the right way around. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू द आईलिड्स एंड आईलैशेस डू, आईलिड्स और आईलैशेस जो हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या काम करती हैं जी? आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डेंजर एंड आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स जी। आईलिड्स जो हैं वो खतरे से आँख को बचाती हैं और आईलैशेस जो हैं वो डस्ट वगैरह को रोक देती हैं और जो पार्टिकल्स हैं उनको भी रोक देती हैं। आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डेंजर एंड आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स PARTICLES। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू यू सी एन इमेज, आप इमेज जो देखते हैं वो किस तरीके से आपको नजर आता है? वी सी द इमेज अपसाइड डाउन DOWN। वी सी द इमेज अपसाइड डाउन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चंस हैं रिवीजन के लिए, अच्छे तरीके से लर्न करना है और याद करके आपने ज़ुबानी लिखना ज़रूर है, ठीक है? सो नोट योर डायरी। यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 टू लर्न, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 टू लर्न। ओके स्टूडेंट्स, डोंट मिस योर रिविजन डायरी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।